हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू ड्रीम यू के। कई बार ना लाइफ में इतनी सारी दिक्कतें ऑलरेडी चल रही होती हैं, आप ऑलरेडी इतना थके हुए होते हो और उसके ऊपर एक और बड़ी दिक्कत आ जाए तो आपको यही फील होता है कि ये भी अभी होना था। तो मेरे साथ भी अभी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं लंदन अंडरग्राउंड में जा रहा था और मेरा जो बैकपैक है वहाँ पर गुम गया। एंड उस बैकपैक में मेरा ऑफिस का लैपटॉप था, मेरा पर्सनल लैपटॉप था, मेरा गोप्रो कैमरा था एंड और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो अगर मैं आपको टोटल वैल्यू बताऊं जितना उस बैग में अकेला था, दैट वाज अराउंड 2500 pounds to 3000 pounds, मतलब 2.5-3 lakh रुपए का सामान मेरा गुम गया था लंदन अंडरग्राउंड में। फॉर्चुनेटली मिल गया, बट मैं आपको ये वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर आपके साथ ऐसी कोई अनहोनी हो जाती है, अनफॉर्चुनेटली इफ़ यू एंड अप लूजिंग योर stuff inside London Underground, then what should you do? Because ऐसी situation बहुत ज़्यादा overwhelming होती है, आपको बहुत panicked feel होता है, बहुत ज़्यादा anxious feel होता है। तो देखो, मेरे साथ तो जो हुआ सो हुआ, but अगर आपके साथ कभी unfortunately ऐसा हो जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसी situation में आपको क्या करना है जिससे आपको आपका सामान मिल पाए। okay? तो जैसे कि आपको पता होगा कि लंदन काफ़ी फेमस है यहाँ पे फ़ोन स्नैचिंग के लिए या फिर चोरियों के लिए। तो जब मेरा सामान घुमा था तो मेरे को लगा था कि भाई लंदन में अगर घुमा है तो मिलने तो वाला नहीं, और मेरे दिमाग में इतनी टेंशन और स्टार्ट हो गई थी। बट मैं आपको पहले बताता हूँ कि ये सिचुएशन हुई कैसे। मैं वीकेंड पे एडिनबरा से लंदन वापस आ रहा था। 5.5 घंटे की ट्रेन जर्नी थी जो कि डिले होके 6 घंटे की बन गई थी। पूरा 6 घंटे बैठे बैठे इंसान वैसे ही थक जाता है। तो सुबह का निकला हुआ, शाम को मैं लंदन पहुंचा तो फिर ट्रेन स्टेशन से मेरे को घर जाना था, तो मैंने किंग्स क्रॉस से अंडरग्राउंड पकड़ी और घर के लिए मैं निकला। तो मैंने ना बहुत भारी जैकेट पहनी हुई थी और उसके साथ साथ मेरे पास एक बहुत भारी चेक इन बैग भी था, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा वेट था, 25-26 किलो। ठीक है, उतना ज़्यादा नहीं है बट जितना हो सकता है उतना था उसमें, और वो हैवी था। तो वैसे ही मेरे को इतनी इरिटेशन हो रही थी क्योंकि कई स्टेशन्स पे हर जगह लिफ्ट नहीं होती और एस्केलेटर भी नहीं होता, तो आपको सीढ़ियों पे इतना बड़ा भारी बैग लेके चलना पड़ता है। तो जैसे जैसे करके मैंने अंडरग्राउंड पकड़ी, और सिंस मेरा बैकपैक भी इतना हैवी था, उसमें 2 लैपटॉप थे, बुक्स थी और मेरा कैमरा वगैरह, पानी की बॉटल सब थी, और साथ में चेक इन बैग था। मैंने जब तक मेरे 2-3 स्टेशन आने थे अगले स्टेशन पर चेंज करने के लिए, मैंने अपना जो बैकपैक का जो होता है ना वो पहनने वाला, वो उतार दिया और वो पीछे ही था मेरे। सो अब होता गया कि मेरा स्टॉप आता है, मैं उतरता हूँ, एस्केलेटर पे चढ़ना स्टार्ट करता हूँ, मेरे को अचानक से फील होता है यार मेरी थोड़ी बैक लाइट फील हो रही है, ऐसा क्यों है? और तब मुझे रियलाइज़ होता है भाई मेरा तो बैग जो है वो अंडरग्राउंड में रह गया है और मेरी हालत हो जाती है ख़राब। और आप मतलब ये देखो कि जब मैं एस्केलेटर पर चढ़ा ना, वो इतना लंबा एस्केलेटर था और मेरे पास इतना भारी बैग था कि मेरे को इतना एंग्शियस फील हो रहा है कि मैं क्या करूं क्या करूं, और वो एस्केलेटर ख़त्म ही नहीं हो रहा और उसके बाद एक और एस्केलेटर उतना ही लंबा। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, जहाँ पे जो एग्ज़िट करने वाले गेट्स होते हैं ना, मैं वहाँ पर गया और वहाँ पे जो अंडरग्राउंड का स्टाफ होता है वो वहीं पे खड़ा होता है। तो आपको कहीं प्लेटफॉर्म पे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आपको एग्ज़िट के पास जाना है, वहाँ पे आपको लोग मिलेंगे जो खड़े होते हैं। तो मैंने उनको एकदम भागे भागे गया अपना भारी सा चेक इन बैग उठा के और उनको बताया भाई मेरा काफ़ी इम्पॉर्टेंट बैग है वो ऐसे रह गया है। मैंने उनको सारी डिटेल्स दी। तो इसमें आपको ये चीज़ नोट करनी है कि ऐसा कुछ भी होता है तो आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपने ट्रेन कहाँ से पकड़ी थी, उसका क्या कहते हैं डेस्टिनेशन वाला स्टेशन कहाँ था, मतलब वो ट्रेन टर्मिनेट कहाँ पे होती है, ताकि उसको ट्रैक कर पाएँ कितने बजे ट्रेन पकड़ी थी, तो ताकि वो थोड़ा टाइमिंग भी देख पाएँ कि अब वो कहाँ पे पहुँची है ट्रेन। तो ये सारी डिटेल्स मैंने उनको बताई और उनको बताया भाई मेरे 2 लैपटॉप हैं, कैमरा है, बुक है, सब कुछ है उस बैग में, और मेरा ऑफिस का ID कार्ड तक उसी बैग में था। तो मेरे को लगा मैं ऑफिस में एंटर कैसे करूँगा, तो काफ़ी ख़राब सिचुएशन थी। तो मैंने उसको बताया भाई को, तो वो अंदर कंट्रोल रूम में जाके उसने सारी बात उन्हें बताई जो दूसरे लोग थे वहाँ पे। तो तब तक मैं बाहर वेट कर रहा था, 3-4 मिनट हुए, और उसके बाद वो जब बाहर आया तो उसने आते हुए ना नो की तरह नॉड करना स्टार्ट कर दिया मेरी तरफ आते हुए, और भाई मेरी हालत तो और ख़राब। मैंने कहा भाई बैग निकल गया, अब आगे का सोचो, ऑफिस में क्या बोलना है, कैसे हो गया ये लैपटॉप चोरी। और मेरा ऑफिस वालों ने भी मेरे को बहुत महंगा लैपटॉप दे रखा है, मैकबुक प्रो 15 इंच वाला, तो लाइक इट्स अ वेरी हैवी मशीन। तो
मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था और इतना ज़्यादा स्टूपिड फील हो रहा था यार. मतलब आई थिंक आप लोग भी या मैं भी जब भी अपना कहीं इतना प्रेशियस सामान लेके चलते हैं, वी ऑल आर वेरी कॉशियस अबाउट यू नो आर बिलोंगिंग्स. मतलब मैं अपनी जेब में हमेशा अपना पर्स चेक करता रहता हूँ यूजुअली जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ, फ़ोन चेक करता रहता हूँ, कभी भी कोई सामान इधर उधर नहीं रखता. बट ये सब चीज़ें भी शायद 10 साल में एक ही बार होती हैं, लेकिन जब होती है तब बहुत स्टूपिड फील होता है कि ऐसा हम कर कैसे सकते हैं. बट कितना भी आप बोल लो कि यू नो तुम्हें ख्याल रखना चाहिए था, हर इंसान ख्याल रखता है, बट मेरे को ये समझ आ गया कि बहुत बड़े टाइम पीरियड में अगर एक बार ऐसा हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान लापरवाह. कभी कभी 10 साल में एक बार गलतियां हो जाती हैं. खैर ऐसा हुआ, फिर उसने जब वो मेरे पास आया, उनका TFL का जो स्टाफ था, तो उसने मेरे को बोला कि देखो अभी तक आपका बैग किसी ने हमें रिपोर्ट करा नहीं है, और आपको हमारे टच में रहना होगा, तब हम आपको बताएंगे. तो अब इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि जब आपका बैग घूमता है ना, तो मतलब जो उन्होंने मेरे को बोला उससे मेरे को समझ आया कि कोई इंसान जो वहाँ पे पैसेंजर है उसको देखना पड़ेगा कि हाँ भाई ये लावारिस बैग है, ये कोई छोड़ के चला गया. वो बंदा गुडविल से उस बैग को उठाएगा और क्या कहते हैं स्टेशन पे उतरेगा और किसी स्टाफ मेंबर को पकड़ाएगा, और वो स्टाफ मेंबर उसे फिर लॉस्ट एंड फाउंड कैटेगरी में डाल के साइड में रख देगा और वेट करेगा कि इसको कोई लेने आता है कि नहीं. तो इस पूरी प्रोसेस में एक इंसान का क्या कहते हैं ये रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि वो आपका बैग उठा के किसी स्टाफ मेंबर को दे. अब लंदन जैसी जगह जहाँ पे इतनी ज़्यादा यू नो चोरियाँ होती हैं, मतलब मैंने तो एकदम यू नो होप ही ख़त्म कर दी थी कि कोई इतना भला इंसान होगा जो देखे कि हाँ भाई पड़ा हुआ है बैग और सीधा सीधा दे दे. और मेरे को काफ़ी ज़्यादा मतलब ख़राब लग रहा था ये सोच के कि भाई ये क्या ही कर दिया मैंने. लेकिन होता गया कि वो मुझे ये सब बता ही रहा था उनका स्टाफ मेंबर, और उसी टाइम उसका जो वॉकी टॉकी था ना उस पर उसको एक मैसेज आता है कि एक बार कंट्रोल रूम में आना, उस बैग पे शायद एक अपडेट आई है. तो वो एकदम भागा भागा कंट्रोल रूम में गया. तो उन्होंने फिर मेरे को बताया कि जिस स्टेशन पर मैं उतरा था, मैं कॉवेंट गार्डन पे नहीं, मैं हॉलबॉर्न पे उतरा था, और उन्होंने बोला कॉवेंट गार्डन जो उससे अगला ही स्टेशन है उस पर एक अपडेट आई है कि आपने जो डिस्क्राइब करा बैग को वैसा ही सिमिलर बैग वहाँ पे पकड़ा गया है. सो इट्स नॉट 100% श्योर, बट एक बार आप अगले स्टेशन पे जाके चेक करो कि वो आपका ही बैग है कि नहीं. तो मेरे को लगा चलो देखते हैं यार. फिर मैं अपना भारी सा चेक इन बैग उठाया, सीढ़ियों से उतरा, ट्रेन पकड़ी, अगले स्टेशन तक गया, एंड फिर अगले स्टेशन पे गया, फिर दोबारा भारी चेक इन बैग उठाया. भाई सुबह से ट्रैवल करके मैं वैसे ही परेशान हो रहा था, फ़ोन में बैटरी नहीं थी, और उसके बाद ये सब हो रहा है. लेकिन इवेंचुअली फिर मैंने उनके स्टाफ मेंबर से बात करी अगले स्टेशन के, और वो मेरे को कंट्रोल रूम में लेके गए, और वहाँ पे मेरा बैग पड़ा हुआ था. भाई मेरी जान में जान आई. मतलब ऐसा होना बहुत ज़्यादा मेरे को लगता है रेयर है कि ऐसा इतना आपका हाई वैल्यू सामान आपके एक बैग में पड़ा हुआ, और लावारिस था, कहने को कोई भी उठा ले जा सकता था, उसे कोई रोकता नहीं किसी को, क्योंकि कोई वहाँ पे उस बैग को देखने वाला कोई है थोड़ी ना. लेकिन कोई इंसान शायद जिसको 5-10 स्टेशन आगे जाना होगा, उसने यू नो एक गुडविल दिखाई और मेरा बैग उठाया और अगले ही स्टेशन पे यू नो उसने स्टाफ को दिया. तो मतलब शायद उसने देख लिया होगा कि ये इंसान ने अपना बैग ऐसे उतारा था, और फिर उसके बाद ये चेक इन बैग लेके आगे चला गया, लेकिन अपना दूसरा बैग इसका गलती से रह गया. बट आई वॉज़ क्वाइट मतलब ग्रेटफुल कि कोई ऐसा इंसान था जिसने इतना सोचा और बैग उठा के दिया. मतलब इससे मुझे भी लगता है कि यार कभी ऐसा किसी के साथ में होते हुए देखूं तो वो इंसान कितने ज़्यादा प्रॉब्लम में हो सकता है, उसका क्या क्या वैल्यूएबल सामान हो सकता है उस बैग में. तो लाइक आई वुड ऑल्सो नाउ टेक द इनिशिएटिव टू पिक समवन एल्सस बैग एंड इन दैट सिचुएशन हैंड इट ओवर टू द स्टाफ मेंबर्स. तो मेरे साथ ऐसा हुआ. फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि हाँ भाई बताओ बैग में क्या क्या है. तो भाई मेरे को तो लिटरली इतनी टेंशन हो रखी थी, मैंने उनको सब बता दिया, ये बता दिया किस पॉकेट में क्या है, क्या क्या सामान है, आईडी कार्ड भी है मेरा अंदर, देख लो उसमें मेरी फ़ोटो भी लगी हुई है. मैंने बोला आप बोलो तो मैं अपना BRP भी दिखा देता हूँ. तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आपने जो बोला है उतना ही काफ़ी है, हमें पता चल गया आपका बैग है. और उन्होंने फिर मेरे को मेरा बैग दे दिया अगले ही स्टेशन पे. सो दैट्स हाउ इट ऑल गॉट सॉर्टेड. बट इट वाज अ वेरी स्केरी सिचुएशन. लाइक आई थॉट आई एम इन अ डीप ट्रबल नाउ, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीथिंग दैट आई लॉस्ट इट वाज वेरी एक्सपेंसिव. एंड मेरे को अपने ऑफिस में जाके ये नहीं बोलना था यार मैंने ऑफिस का लैपटॉप गुमा दिया. मतलब इट डजंट लीव अ वेरी गुड इम्प्रेशन.
तो मेरे को वो चीज़ करनी नहीं थी. एंड थैंक गॉड, थैंक्स टू द पर्सन हु हैंडेड ओवर माय बैग टू यू नो द स्टाफ मेंबर्स. बट मेरे एक दोस्त का जो बैग था, मेरे एक दोस्त का जो बैग था ऐसे ही घुमा था या कुछ सामान घुमा था. तो उन्होंने, वो शायद एलिजाबेथ लाइन में जा रहे थे लंदन में, तो उन्होंने जब स्टाफ को बताया था तो एलिजाबेथ लाइन के स्टाफ मेंबर्स ने जाके सर्च करा था. उन्होंने वेट नहीं करी थी कोई आके हैंड ओवर करे. तो मेरे को लगता है शायद ये लाइन टू लाइन भी थोड़ा वेरी करता है. एलिजाबेथ लाइन सबसे नई है तो शायद वहाँ पे ज़्यादा अच्छा स्टाफ हो, ज़्यादा नंबर ऑफ स्टाफ मेंबर्स हों जो ऐसे आउट ऑफ द लाइन जाके हेल्प करते हों. बट सेंट्रल लाइन पे तो भाई उन्होंने बोल दिया था जब तक कोई और आके हमें हैंड ओवर नहीं करता हम कुछ नहीं कर सकते इस सिचुएशन में, अनफॉर्चुनेटली. तो आपके साथ ऐसा हो तो आपको अपनी ट्रेन की डिटेल्स पता होनी चाहिए. जाते ही एग्जिट वाले जगह पे स्टाफ मेंबर को कांटेक्ट करना है, अपना बैग अच्छे से डिस्क्राइब करना है, सारी डिटेल्स बतानी है और फिर वेट करना है कि कोई यू नो आपका हैंडओवर करे सामान का. और उनसे रिक्वेस्ट भी कर लो कि अगर उनका कोई स्टाफ मेंबर जाके ढूंढ सकता है, अगर वो हाँ बोलते हैं तो, और अगर वो बोलते हैं अब तक किसी ने रिपोर्ट नहीं करा तो उनसे प्रॉपर यू नो कॉन्टैक्ट डिटेल्स लेकर आओ कि आप किससे कॉन्टैक्ट कर सकते हो कि जब आपका बैग मिले वो आ जाए स्टेशन पे. सो दैट्स हाउ यू नीड टू अप्रोच द सिचुएशन अगर कभी गलती से आपके साथ ये हो गया. तो मेनली मेरे को ये वीडियो इसलिए ही बनानी थी कि काफ़ी सारे लोगों का लंदन में सामान चोरी होता है, बट अगर ऐसी सिचुएशन है तो डोंट लूज योर होप, मिल जाता है. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं मिलेगा, सामान चोरी ही हो जाएगा. अपनी होप्स को खोना नहीं है, कोशिश करनी है. और फॉर्चुनेटली मेरा सारा सामान जो था उसमें सब मिल गया. एंड या दैट्स द काइंड ऑफ सिचुएशन आई एक्सपीरियंसड एंड आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम माई वीडियो. दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. मैं ऐसी लाइफ एक्सपीरियंसेस इस चैनल पर शेयर करता हूँ जिससे शायद आपको कुछ सीखने को मिले या फिर आपकी थोड़ी नॉलेज बढ़े चीज़ों को लेके. तो चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपको ऐसी ही वीडियोस और चाहिए रेगुलरली, मेरे यूके के लाइफ व्लॉग्स एट्सेट्रा. तो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो. टेक केयर, बाय.